दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत विशेष जागरूकता प्रकोष्ठ द्वारा मंगलवार को बुनियादी शिक्षा के रूपांतरण में सरकार एवं विश्वविद्यालय की भूमिका प्रदेश के विशेष संदर्भ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग के डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, प्रतिकुलपति हरिशरण, विशेष जागरूकता प्रकोष्ठ के संयोजक प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ल ने मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बुनियादी शिक्षा के रूपांतरण में सरकार एवं विश्वविद्यालय की भूमिका प्रदेश के विशेष संदर्भ विषय पर विशिष्ट अतिथि प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण सिंह ने कहा कि यह बड़ा सुखद है कि बेसिक शिक्षा के विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है। बेसिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा का आधार है, जिसकी मजबूती के आधार पर हम विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने व्याख्यान के विषय को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही इंडिया और भारत के अंतर को खत्म किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में आज जिस प्रकार की बुनियादी शिक्षा में सुधार किया जा रहा है, उसके माध्यम से निश्चित ही उत्तर प्रदेश देश का एक बेहतर राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रस्तावित शिक्षा नीति बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा को जोड़ने का कार्य कर रही है। विश्वविद्यालय ने कुछ गांवों को गोद लेकर उनके प्राथमिक विद्यालय के रूपांतरण के लिए विशेष प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी ने कहा नई शिक्षा नीति आ रही है, जिसमें बेसिक, माध्यमिक और उच्च तीनों शिक्षा के विषय में तमाम चीजें हैं, उनको जब इंप्लीमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षा का परिदृश्य बदलेगा। सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो किसी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था करे। सरकार इसके लिए सचेत है। आगे के वर्षों में निश्चित रूप से शिक्षा की स्थिति में और अच्छा सुधार होगा और उसका परिणाम हमको विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यबल हमको मिलेगा उसमें देखने को मिलेगा। ये माना जाता है बुनियाद किसी भी चीज की अच्छी होनी चाहिए। चाहे हम छोटा सा घर भी बनाते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी बुनियाद कैसे बनाई जा रही है। अगर बुनियाद अच्छी होगी तो मंजिल भी अच्छी बनेगी, हमारे बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी। तो हम उस बिल्डिंग को जब बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि बुनियाद में प्रॉपर व्यवस्था की गई कि नहीं, गहराई है कि नहीं। अब तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा बदला है तो अब हम पिलर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन आप अपनी बुनियादी शिक्षा में कर रहे हैं, नए नए ऐप ला रहे हैं जिसके आधार पर मॉनिटरिंग की जा सकती है। लेकिन सरकार तो सिर्फ मॉनिटरिंग कर सकती है, अधिकार से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो वहाँ के शिक्षक हैं। अब माननीय मंत्री जी ने हमें बताया कि प्राचीन काल में जब सुविधाएं इतनी नहीं थी, जब छोटे छोटे थे तभी नीम के पेड़ के नीछे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के कक्षाएँ चला करती थी। एक टीचर इतना कमिटेड होता था कि वो सारे विद्यार्थियों को वो चीज़ सिखा जाता था जो आज की शिक्षा व्यवस्था में मिसिंग है। तो उसको, उस कमी को दूर करने के लिए शिक्षकों की जो कमिटमेंट है उसको भी बढ़ाने के लिए आपने प्रेरक प्रयास किए हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आज विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह सप्ताह में बुनियादी शिक्षा के रूपांतरण, सरकार और विश्वविद्यालय की भूमिका विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया था। मैं आज यहाँ पर आया था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उसके कायाकल्प के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों से विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को अवगत कराया और उनसे ये अपील भी की, उनका आह्वान भी किया
कि वे उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए हमारे विभाग का और हमारा मार्गदर्शन करें। समय समय पर जो उनके शोध होते हैं, जो उनके विचार होते हैं, जो उनकी रणनीति होती है, उससे हमको अवगत कराएं, ताकि हम उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा का कायाकल्प कर सकें।